लोग कहते हैं कि आजकल हम किसी से रूठते नहीं। अरे जिसको मनाने वाला कोई ना हो, जिसको किसी से कोई उम्मीद ना हो, वो क्या रूठेगा। कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ आपके सामने। गलती हो तो माफ करना, लेकिन सुनते समय अपना दिल साफ रखना। ये इश्क के धंधे अब कितने ही मेरे बाद करना, ये इश्क के धंधे अब कितने ही मेरे बाद करना। पूरी दुनिया का रोना जहां तुम रोते थे ना, बस मेरे वो कंधे याद रखना। लिखने का ये हुनर खैरात में नहीं लाया हूं, बस तुम्हें कई दफा गैरों की बाहों में पाया हूं। कि उसको कई दफा गैरों की बाहों में पाया हूं और उसको लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो दो लाइन उसके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि ये सच्चाई आज की। बड़ा मजा आता है जब हमें कोई बेवकूफ ना रहा होता है और सच्चाई हमें पहले से पता हो, लेकिन वो जो बंदा है ना, वो बड़ा कन्विंस करता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तू जो बोल रहा है वो झूठ है। और इस सच और झूठ पे मैं दो लाइन कहूंगा कि जोड़ी भी क्या खूब बनाई थी ऊपर वाले ने हमारी, कि जोड़ी भी क्या खूब बनाई थी ऊपर वाले ने हमारी। जब तुम झूठ बोलना सीख रहे थे ना, तब हम आंखें पढ़ना सीख चुके थे तुम्हारी। बहुत तकलीफ होती है ऐसे में, कोई इंसान किसी दूसरे को अपना सब कुछ मान बैठता है। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, सवाल दिल में हजार है, लफ्जों को कैद कर रखे हैं। हाँ अकेला हूँ, तुझे जान के खुशी होगी कि मैं अकेला हूँ। थोड़ा सा थकेला हूँ, थोड़ा सा भुजेला हूँ, पर सच तो यह है कि तुझे बहुत झेला हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि कोई नहीं मिला समझने वाला, बस जो भी मिला केवल समझा के चला गया। इज्जत पाने की बहुत आस थी मुझे, पर मैं ये भूल गया कि इज्जत बहुत महंगी चीज है, और इस महंगी चीज की मैं किसी सस्ते इंसान से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दिया है, तुम ना समझे तो समझाना छोड़ दिया है। लिखता हूँ तो कागज जलते हैं और तुम देख ना लियो बिट्टू इधर, क्योंकि हम सन की है, आज भी बेवफाओं से उतनी ही वफा करते हैं। तुम भी अपने हाथों को देखकर हमें याद तो करते होंगे, जो अंगूठी निकाल फेंकी उसके निशान तो अब भी होंगे, जिसने कहा कि किसी भी मोड़ पे साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे वो बेफिक्र है, वैसे कई मोड़ गुजर जाने के बाद भी इस बेवफाओं की बस्ती में तुम सरदार बन गए। बड़े स्मार्ट हो यार जो इतने दमदार बन गए। और जब हम कभी गुजरे गलती से उस बस्ती से, एक चुटकी जहर देकर मारने की साजिश की गई, पर तुम्हें क्या खबर कि हमने जिंदगी में कदम कदम पर जहर ही पिया है। यूं तो पूरा शहर भरा है तुम्हें दिल देने की होड़ में, पर तुम किसको तलाशते हो, लगता है दूसरा कोई तुम्हें मिला नहीं मेरी जोड़ में। सुना है तुम्हारे इश्क के पैमाने बड़े हो गए, पर जरा संभल के हाथ बढ़ाना किसी के पास। सुना है वफा को दुनिया में आए जमाने हो गए, कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए या छोड़ के जाने वाला है तो उसके सामने यार घुटने मत टेकना। अपने दिल पे हाथ रखना और एक बात अपने आप से कहना कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और हमेशा ऐसा ही सोचना कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। और मेरा यकीन करो, एक दिन आपको ये प्रूफ मिलके रहेगा कि जो भी उस दिन हुआ था ना अच्छे के लिए ही हुआ था। और उस दिन बड़े प्राउड से बोलना कि ले आज भी मैं खड़ा हूँ एक स्तंभ की तरह, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुमको जो दिखाना था कब का दिखा चुके, अब अपनी बारी है। और उस इंसान को बोलना कि तुमने तो मुझे पहले ही जला दिया था, और जलाने के बाद भी बाज नहीं आए तुम मेरी राख को भी अपने जूतों के नीचे मसलते रहे कि कहीं मेरा एक अंश भी बच ना जाए। पर देख मैं आज भी जिंदा हूँ, कल से बेहतर हूँ, कल से मजबूत हूँ, कल से आगे हूँ, और तुम कौन होते हो मुझे जलाने वाले, जलाकर कुचलने वाले। मैंने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी है, उन हाथों से जिनको काटने की साजिश की गई थी, कोशिश की गई थी। लोग उम्मीद पे जीते हैं और हमें उस वक्त तो जीने की उम्मीद भी नहीं थी, पर मेहनत रंग लाती है और सच्चाई बाहर निकल के आती है। अब मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, पर तुम ऐसे क्यों उदास हो मुझे छोड़कर एक अरसे बाद। लगता है एक और अच्छा दिल तुम्हें मिला नहीं फिर तोड़ने के लिए, सही इंसान से पाला पड़ा था तेरा, कोई और होता ना तो बिखर जाता, पर थैंक गॉड ये मैं था जो बिखरा नहीं बल्कि निखर गया। और इस वीडियो के आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, कुछ टूट जाते हैं कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये टूटने और सीखने का डिसीजन लेने वाले ना आप खुद हो। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर दिल को सुकून मिला ना मेरे शब्द सुनकर तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। मैं निकलता हूँ अब कुछ और शब्द ढूंढने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। Did fix.